दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी मोतिहारी के केसरिया बौद्ध स्तूप से आरक्षण अधिकार पदयात्रा की शुरुआत की है। मंत्री मदन सहनी केसरिया के बौद्ध स्तूप से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हुए पटना में इसे समाप्त करेंगे। अपने इस 150 किलोमीटर की पदयात्रा के माध्यम से मंत्री मदन सहनी जनता से मुखातिब होते हुए अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण अधिनियम में सुधार को लेकर केंद्र सरकार की दोहरी नीति से जनता को रूबरू कराएंगे और जनता को जागरूक करेंगे। इस यात्रा के मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि पिछड़ा एवं अति पिछड़ा समाज के आरक्षण में संशोधन के लिए बिहार सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी गई है और केंद्र सरकार उस फाइल को दबाए बैठी है। ऐसे में केंद्र सरकार की दोहरी नीति के खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया है। अखिल भारतीय अति पिछड़ा महासभा के बैनर तले जो भारत सरकार को बिहार सरकार के द्वारा एससी और एसटी के लिए अनुशंसा की गई है, उस मांग को पूरा करने के लिए हम लोग केसरिया के बौद्ध स्तूप से हम लोग पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं और यह पदयात्रा हम लोग 7 दिनों का होगा और पटना के गांधी मैदान के पास जो जेपी गोलंबर है वहां पर जा कर के हम लोग का यह पदयात्रा समाप्त होगा और इस 7 दिनों के अंदर में हम लोग लगभग दर्जनों जगह पर हम लोग का सभा होगा और जितने भी बिहार के तमाम जिले के अति पिछड़ा समाज के लोग हैं इस पदयात्रा में शामिल होंगे और जगह जगह पर भी उन लोग के द्वारा कार्यक्रम में और सभा किया जाएगा और इस पदयात्रा के माध्यम से हम लोग जो बिहार सरकार के द्वारा अनुशंसा भेजी गई है जिसके कारण भारत सरकार के दोहरी नीति के खिलाफ हम लोग का यह पदयात्रा है और इस पदयात्रा के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं कि हम तमाम जो अति पिछड़ा वर्ग के जाति हैं जिसमें दर्जनों जाति शामिल हैं और इनको वर्षों से केंद्र सरकार के द्वारा आरक्षण नहीं दे करके पीछे धकेलने का काम कर रही है, तो निश्चित रूप से इस आंदोलन को हम लोग और तेज करेंगे और आगामी जो 2024 में लोकसभा चुनाव है उस चुनाव में हम लोग बिहार के अंदर से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से संकल्प लेते हैं। जब तक केंद्र सरकार पूरा नहीं करेगी तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। प्रशांत किशोर भी है, आपकी सरकार को घेर रहा है, नीतीश कुमार को घेर रहा है, क्या कहें? कौन किसको घेर रहा है उससे हम लोग को कोई बहुत मतलब नहीं है। हम लोग अति पिछड़ों के अधिकार के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए यात्रा कर रहे हैं, अपनी पहचान को बनाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। हम दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।